टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिश मिश्रा। हाल दो दिनों के अंदर हुई तीन बड़ी घटना, दो मर्डर केस और एक अपहरण के मामले की गुत्थी रांची पुलिस ने सुलझा ली है। इसी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अनीश गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। तो आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एसएसपी अनीश गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस मामले के बारे में। पीएलएफआई के संगठन में वर्तमान में नहीं है, परंतु संगठन के नाम से इनके द्वारा लेवी मांगी गई, उसी घटना में ये जेल गए। अब बुलाके पूरी टीम की और ये सिटी पुलिस एसपी के नेतृत्व में इस टीम ने इस घटना को करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें मृतक अपने चचेरे भाई के यहाँ किसी काम से आया था, उसमें पूर्व में उसके अन्य मित्र शुभम चौधरी एवं बिट्टू मिस्त्री वहां पे मौजूद थे और ये किसी लड़की को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते इनमें मारपीट हुई, जिसमें इनके द्वारा राजन तिर्की को लाठी डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी गई। साक्ष्य छुपाने के लिए इनके द्वारा पहले शरीर को जलाने का प्रयास किया गया, उसके बाद उसे जो मृतक है उसी के चचेरे भाई के घर के पीछे झाड़ी और इसमें तालाब में फेंक दिया, उसका बाइक भी हटा दिया गया और उसके कपड़े भी जलाने का प्रयास किया गया। और ये सारा घटनाक्रम मृतक के चचेरे भाई के घर में हुआ और इसमें दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और घटना के कारण का खुलासा हुआ। देखिए, इनका प्रेम प्रसंग था किसी लड़की के साथ, जिसके कारण जो शुभम चौधरी है उसके द्वारा ये घटना, वर्तमान में रातू थाना दारुक गांव में रहते थे, इनकी अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका बाइक और अन्य सामान वहां पे बरामद हुआ था। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया था और जिसमें डीएसपी हटिया और धुरवा थाना प्रभारी और तुपुदाना प्रभारी और इनके साथ जो इनके थाना के सशस्त्र बल हैं एवं अन्य पदाधिकारी इस छापामारी दल के द्वारा इस घटना में को करने वाले मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से एक देसी कट्टा जिससे गोली मारी गई थी वो बरामद हुआ है, तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और मोटरसाइकिल जो घटना के समय इस्तेमाल किया गया था उसकी बरामदगी हुई। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मुजक्किर अंसारी उर्फ चाइनीज, ये यहीं का रहने वाला है और ये पूर्व में भी कई अपराधिक घटनाओं में जेल गया है और घटना का मूल कारण